नमस्कार। पैरा एग्रो बायोटेक की टीम सागर की डाणी गांव में पहुंची है, जिला जयपुर में सरवण जी नाका के खेत में। सरवण जी ने अपने इस खेत में प्याज की फसल लगा रखी है, जो आप देख रहे हैं। इस फसल में इन्होंने किन खादों का प्रयोग किया है उसके बारे में बता रहे हैं। सरवण जी, क्या क्या डाला है जी आपने इसके अंदर? मैंने प्याज के अंदर टेराफोस, पोटास और हरिता और संपूर्णा डाली है। तो क्या रिजल्ट है इसके अंदर उस चीज का? और डीएपी का प्रयोग किया है आपने? इसकी डीएपी का प्रयोग नहीं किया सर, बिल्कुल भी नहीं किया है आपने। पिछले दो साल से यही कर रहा हूँ और इसका बेस्ट रिजल्ट है। तो उससे कैसे, जैसे आप हमेशा डीएपी डालते हैं, आप यूरिया डालते हैं, तो उस हिसाब से देखें तो क्या रिजल्ट है इसका? उस हिसाब से देखें तो सर, मैं शुरू के अंदर जो ये डीएपी यूरिया डाल रहा था, उसके बाद मैंने अचानक इसको बिल्कुल अवॉइड कर दिया और इसका मेरे को दो साल में अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। अच्छा रिजल्ट है, मतलब इसकी अभी तक बढ़वार वगैरह ठीक है। आपका क्या नाम है जी? राम सिंह। राम सिंह जी, आप देख रहे हैं ये जो प्याज की फसल है जिसमें इन्होंने डीएपी का प्रयोग नहीं किया और यूरिया डाला। सरवण जी, आप नहीं सर, यूरिया का प्रयोग भी नहीं किया? नहीं करते। तो बिना यूरिया और डीएपी के इस समय जो प्याज की फसल कैसी है, आप जो हमेशा यूरिया डीएपी डालते हो उसके मुकाबले? इस टाइम तो बहुत अच्छी है सर, बहुत अच्छी खड़ी है, बहुत अच्छी खड़ी। मतलब अच्छे में क्या ठीक लग रहा है आपको? ये लग रहा है, एक तो हरे अपना ठीक है, एक पत्ता चेंज का उपज है। बिल्कुल सीधे खड़े हैं ये। आपका नाम क्या है जी? रामेश। तो रामेश्वर जी, क्या रिजल्ट लग रहा है बिना यूरिया डीएपी के? वैसे तो ठीक ही है, बड़वा ठीक है, हरिया भी है। हरा भी है जी। तो आप, आपका क्या नाम है जी? कालू राम जी, आप देख रहे हैं तो क्या रिजल्ट लग रहा है आपको? ठीक है, बिना यूरिया डीएपी के संतोषजनक रिजल्ट है क्या? बढ़िया। आपको लग रहा है भी ये तेरा उत्पाद बढ़िया से काम कर रहे हैं बिना यूरिया डीएपी के? अच्छा, और आपने भी यूज किया हुआ है, तो कौन सी फसल में प्रयोग किया आपने? मैंने मूंगफली में किया, तो अच्छा रिजल्ट मिला आपको उससे? क्या रिजल्ट रहा था मूंगफली के अंदर आपका? मूंगफली का सफेद पन भी था। अच्छा जी, और मोटी भी थी। मोटी भी थी और सफेद पन था वो, यानी कि गुणवत्ता बहुत बढ़िया थी और वजन था इसकी। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। धन्यवाद।